push till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. तो गाइज यही है एनीकास्ट M4 प्लस डोंगल। अगर आप इस डोंगल को अपने LED या LCD TV में लगाते हैं, यानी यहाँ पे HDMI का पोर्ट दिया है, इस HDMI पोर्ट के थ्रू कनेक्ट करते हैं, तो आप अपने मोबाइल फ़ोन को कुछ भी कंटेंट को TV में मिरर कर सकते हैं। यानी कुल मिला के आप अपने स्मार्टफोन में अगर YouTube प्ले कर रहे हैं तो उसको TV में भी आप देख सकते हैं लाइव। गाइज इसके प्राइस की बात कर ले तो 849 का इतना सस्ता .com पे मिल रहा है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कैश ऑन डिलीवरी में भी अवेलेबल है, और जी हाँ इस बार Amazon.in पे भी मैं सेल कर रहा हूँ, तो जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इस तरह के बहुत सारे बॉक्स अवेलेबल है Amazon पे, तो बी केयरफुल, आप ध्यान रखिए, काफ़ी सारे जो प्रोडक्ट है वो डुप्लीकेट भी इसमें आते हैं। तो पैकेजिंग काफ़ी अच्छा है, और यहाँ पे जो फर्स्ट लुक कुछ इस तरह से देखने को मिलता है। इस बॉक्स को हम खोलते हैं और आपको दिखाते हैं, इसमें कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है। एक आपको यहाँ पे एक केबल जैसा कुछ मिलता है, ये USB नॉर्मल केबल है, और ये बेसिकली यहाँ पे सिग्नल्स के लिए वाईफाई लिखा हुआ है यहाँ पे, और एनीकास्ट को इस USB से आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। इसके अंदर मुझे एक यूज़र मैनुअल भी मिल रहा है, जिसपे इंग्लिश और पूरा इंग्लिश लिखा हुआ, और पीछे चाइनीज़ लैंग्वेज में है, तो इंग्लिश वाले से आप समझ सकते हैं। हार्डवेयर इंस्टॉलेशन प्रोसेस iOS में कैसे कनेक्ट करना है उसके लिए है, एंड्रॉइड फ़ोन के लिए है, मैकबुक में कैसे कनेक्ट करना है, और विंडोज़ PC के लिए है, तो आपको सारा इंस्ट्रक्शन मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। इस डिवाइस को बाहर निकालने के लिए सीधा इस तरह से मारिए धक्का, और ये बाहर निकल जाएगा। और ये देख लीजिए, थोड़ा साइज़ तो बड़ा लग रहा है, बट इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है ये एक काफ़ी अच्छी है, प्लास्टिक की बनी हुई है। ये जो ऊपर की तरफ जो पोर्ट है वो HDMI पोर्ट है, जो अगर आपके TV में HDMI का सपोर्ट नहीं है तब आप इसको चला नहीं सकते हैं, बट अगर आप दिमाग लगा के चाहें तो अलग से एक केबल आती है AV से HDMI के लिए, अगर वो यूज करना चाहें तो शायद ये वर्किंग होगा। यहाँ पे एक USB के लिए स्पेस दिया गया है, तो आपको यहाँ से USB को इस तरह से ये कनेक्ट करना पड़ेगा। इसके बाद TV में इसको कनेक्ट करना पड़ेगा, और इसमें भी आपको पावर देना पड़ेगा। इसमें 1 एम्पीयर का कनेक्शन देंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। TV के USB पोर्ट से भी आप इसको चाहे तो जोड़ सकते हैं। इस डिवाइस की रेंज बहुत ज़्यादा नहीं होती है जितना नॉर्मल एक वाईफाई का होता है, इसलिए अपने स्मार्टफोन को TV के पास में ही रखें, आई थिंक 4-5-10 मीटर के अंदर में रखेंगे तो ये काम अच्छा से करने वाला है। यहाँ पे है एक बटन, इस बटन को आप प्रेस करेंगे तो एयर मोड में आ जाएगा, और फिर दोबारा प्रेस करेंगे तो एंड्रॉइड मोड में आ जाएगा। यानी अगर आप एंड्रॉइड फ़ोन में कनेक्ट करना है तो आपको एक बार दबाना पड़ेगा, और वापस से दबाते हैं तो फिर ये एयर मोड में आ जाएगा। यानी एंड्रॉइड फ़ोन और iOS दोनों के लिए परफेक्ट है। तो मैं इसको TV में कनेक्ट करता हूँ और आपको दिखाता हूँ फर्स्ट लुक कैसे ये कनेक्ट करेंगे। बहुत ईजी और सिंपल प्रोसीड्योर है। TV में कनेक्ट करने से पहले आपको सबसे पहले इस USB को इस यहाँ पर डालना पड़ेगा कुछ इस तरह से, और यहाँ पे जो HDMI केबल का पोर्ट है इसको अपने हम TV में यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। USB कनेक्ट हो जाने के बाद अपने इस एनीकास्ट डिवाइस को कोई भी HDMI पोर्ट में आप डाल दीजिए। मेरे पास यहाँ पे 2 HDMI है, सेकेंड एंड फर्स्ट, तो मैं ये फर्स्ट वाला में इसको डाल देता हूँ। इसके बाद आपको यहाँ इस USB से आपको पावर का सप्लाई देना पड़ेगा, मोबाइल के चार्जर से भी आप दे सकते हैं, लेकिन मेरे पास यहाँ पे USB का अलग से पोर्ट दिया है TV में, जो कि एक्स्ट्रा है, कोई यूज़ का नहीं है, तो मैं इसको यहाँ से पावर कनेक्ट करके इसको पावर दे दिया हूँ। एक बार सेटिंग अच्छे से देख लीजिए, एनीकास्ट HDMI पोर्ट से कनेक्टेड है, और ये जो USB केबल है यहाँ पे इससे मैं पावर दे रहा हूँ, और इसका कोई काम नहीं है, ये बिल्कुल हवा में ऐसे लटकता रहेगा, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं। TV के पीछे आप छुपा कर रख दीजिए इसको। कुछ TV में क्या होता है, स्पेस का कुछ प्रॉब्लम होता है जिससे ये डिवाइस नहीं लगते हैं, तो आप इसका ध्यान रखिएगा। अदरवाइज आप ऑर्डर कर देते हैं TV में, अगर स्पेस नहीं है तो आपको एक अलग से फीमेल अडेप्टर आपको अलग से खरीदना पड़ेगा, फिर आप जाकर उसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो गाइस चलिए TV को हम यहाँ से करते हैं ऑन, और यहाँ रिमोट में एक फंक्शन होता है, इसको दबा के आपको यहाँ पे देखिए TV HDMI ऑन और HDMI 2 का ऑप्शन है। हालांकि स्क्रीन मिरर का भी मेरा TV में ऑलरेडी ऑप्शन दिया गया है, बट मैं इसको यूज़ नहीं करने वाला हूँ मैं, क्योंकि HDMI 1 में लगाया हूँ ये MP4 प्लस डोंगल, तो HDMI 1 का मैं यूज़ करने वाला हूँ। देखिए ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, ये एयर प्ले मोड में ऑन है। देखिए यहाँ पे एयर प्ले मोड ऑन है, और नीचे जो है मिरर कास्ट मोड यहाँ पे ऑफ लिखा हुआ है। तो हमें भी एंड्रॉइड फ़ोन से कनेक्ट करना है तो मिरर कास्ट मोड को ऑन करना पड़ेगा और एयर प्ले को ऑफ करना पड़ेगा। अगर आप देखिए यहाँ पे सबसे पहले ऑन करने के बाद आप देखेंगे SSD यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, और यहाँ पे PSK जो पासवर्ड है वो लिखा हुआ है। अगर ये आ गया मतलब समझिए कि आपका डिवाइस है वो ओके है। मिरर कास्ट ऑन करने के लिए जो M4 प्लस के पीछे जो बटन है इसको हम एक बार प्रेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली मिरर कास्ट मोड ऑन हो जाएगा। तो चलिए मैंने एक बार जाकर प्रेस कर दिया है, ये ऑटोमेटिकली मिरर कास्ट मोड में आ गया है। अब आपको स्मार्टफोन के सेटिंग में जाना पड़ेगा, यहाँ पे मोड का ऑप्शन आएगा, मोड में जाना पड़ेगा, और वायरलेस डिस्प्ले, ये Xiaomi का Poco F1 फ़ोन है इसलिए इस तरह के कुछ सेटिंग पूछ रहा है। टर्न ऑन वाईफाई, तो मैं यहाँ ऑन करता हूँ। अलग अलग फ़ोन में अलग अलग फंक्शन होते हैं, तो इसके लिए कन्फ्यूज़ मत होइएगा।
जैसे ही मैंने अभी वायरलेस डिस्प्ले मोड में गया, यहाँ पे दो पूछ रहा है, एक टीवी का है केएलवी जो 32 इंच का मेरा टीवी है, इसका मिरर कास्टिंग के लिए पूछ रहा है, और दूसरा है एनीकास्ट का। तो मेरा क्योंकि एनीकास्ट से कनेक्ट करना है तो इसको मैं क्लिक करता हूँ, ये बिना कोई पासवर्ड का ये कनेक्ट हो जाएगा, ये पासवर्ड की ज़रूरत नहीं पड़ती है इसमें। देखिए जैसे ही ये कनेक्टेड हो गया, अभी आप देख सकते हैं जो ये जो स्क्रीन है टीवी में, जो मेरा स्मार्टफोन का स्क्रीन है वही स्क्रीन आ गया। जैसे मैं यहाँ से बैक करता हूँ, ये देखिए क्विकली यहाँ पे बैक हो जाता है। जो होम पेज पे आएंगे तो मेरा ये बिल्कुल ऐसा आ गया। मैं कोई इमेजेस देखना चाहता हूँ, मान लीजिए इसको आप चलिए घुमा लीजिए, जिस मोड में रखना चाहेंगे उस मोड में आपको यहाँ पे ये टीवी पे दिख रहा होगा। इसको इमेजेस को जैसे जैसे आप चेंजेस करेंगे ऑटोमेटिकली है यहाँ से ये चेंजेस होते ही चला जाएगा। ये देखिए फैन फोस्ट की वीडियो का हमने शूट किया था, देखिए टीवी में कितनी बेस्ट क्वालिटी में ये चल रही है। तो बिल्कुल आपके फ़ोन में जो भी पिक्चर होंगे ना, ये बिल्कुल टीवी में वैसे ही चलेगा। यहाँ पे YouTube अगर आप प्ले करते हैं लाइव, तब भी आपको YouTube चलेगा। मैं यहाँ पे देखिए बैक जाता हूँ, जिस तरह से अगर स्क्रीन चेंज कराऊंगा तो यहाँ भी स्क्रीन जो है बिल्कुल चेंज हो जाता है। ये 2019 YouTube फैन फेस्ट दिल्ली का ये इमेजेस है, तो मैंने वहाँ गया था अभी इस बार फैन फेस्ट में, तो मैंने कुछ इमेजेस लिए हैं, सैंपल लिए हैं, ये काफ़ी परफेक्ट इमेजेस आ रहे हैं, आप खुद देख सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ से YouTube खोलना, तो आप YouTube भी खोल के कोई भी वीडियो चाहे तो आप प्ले कर सकते हैं। तो चलिए मैं कुछ ऑफलाइन की ही वीडियो अगर प्ले करके देखना चाहूँ, तो आप चाहे तो कोई भी ऑफलाइन की वीडियो जो है प्ले करके देख सकते हैं। देखिए ये चल रहा है, कोई इशू नहीं है, फर्स्ट क्लास YouTube वीडियो जो है आप प्ले कर सकते हैं। तो गाइज यही है मिरर कास्टिंग का फ़ायदा। मैं यहाँ पे लॉक कर रहा हूँ, ये भी लॉक, स्क्रीन खोल रहा हूँ, यहाँ भी स्क्रीन खोल रहा है। देखिए कितने फास्ट सर्विस है, मैं टच किया हूँ खोल गया, ऑफ यहाँ पे ऑन किया, ये ऑन किया इंस्टेंटली। तो ये जो डिस्प्ले है ना, ये बहुत अच्छा प्रोसेसर है, इसलिए बहुत फास्ट तेज़ी से ये काम करता है, जो प्रोसेसिंग काफ़ी फास्ट है इसका। तो इसकी मदद से आप अपने फ़ोन को लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं, YouTube देख सकते हैं, जो भी फ़ोन में लाइव चल रहा है उसको आप यहाँ देख सकते हैं। गाइज मैंने जियो TV चला के आज तक प्ले करके TV में देखने की कोशिश कर रहा हूँ, तो जियो पे मिरर कास्ट का सपोर्ट नहीं है। मैं आपको पहले बताता हूँ, अगर आप जियो TV चलाने के लिए खरीदना चाह रहे हैं तो मत खरीदिए, क्योंकि जियो TV पे ये सपोर्ट नहीं मिलेगा। इसके लिए एंड्रॉइड TV बॉक्स खरीद लीजिए, जिसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। देखिए ये मोबाइल फ़ोन में जो वीडियो चल रहे हैं, साउंड जो है TV से आ रहा है, तो डेफिनेटली जो है ये अगर आप जियो TV के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो ये मिरर कास्ट नहीं लीजिए। एक्चुअली ये जियो TV जो जियो है ना वही सपोर्ट नहीं करते, इसकी वजह से ये नहीं चलता। इसके अलावा कुछ भी आप प्ले करना चाहेंगे, कुछ भी चलाना चाहेंगे तो सब कुछ चलेगा, कोई इशू नहीं आने वाली है। तो गाइस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो अच्छा लगेगा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय करना चाहते हैं तो अमेजोन और इतना सस्ता दोनों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कैश ऑन डिलीवरी भी अवेलेबल होगा, बट ध्यान रखिएगा कैश ऑन डिलीवरी पे 50 रुपीज ज़्यादा आपको लगने वाला है। तो फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।